हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिक्षण बाबा। तो गाइस, जैसे कि आपकी डिमांड थी कि आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का सीएसएफ काउंसलिंग प्रोसेस का जीएफटाइज एनआईटी और ट्रिपल आईआईटीज के कट ऑफ लिस्ट चाहिए होंगे, ठीक है। तो ये लिस्ट हमने आपके लिए बनाई है, आपके सामने दो पीडीएफ खुली हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर जीएफटाइज है और एनआईटीज है। आपको ट्रिपल आईआईटी के अंदर ईडब्ल्यूएस के साथ एंट्री नहीं मिलेगी, आपको सीट अलॉट नहीं होगी एज अ प्रीवियस ईयर कट ऑफ, ठीक है। ये पीडीएफ कहाँ से मिलेगी वो वीडियो को लास्ट में बताऊंगा, तब से उससे पहले आप ये पूरे वीडियो देखिएगा और समझ के लीजिएगा। फिर बाद में कमेंट बॉक्स में नहीं बोलना कि भाई मेरी ईडब्ल्यूएस रैंक इतनी है तो मुझे कौन सा कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए, ठीक है। देन ओपन करते हैं जीएफटाइज की ईडब्ल्यूएस पीडीएफ। देन यहाँ पर हमने येल्लो कलर से आपके लिए हाईलाइट किए हैं हर एक कॉलेज जो कि आपको मिल सकते हैं 1.5 लाख रैंकिंग के ऊपर, ठीक है। तो इससे कम होंगे तो ये कॉलेज आपको मिलते हैं और इससे ज़्यादा होंगे तो ये कॉलेज आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अलग सा कुछ कट ऑफ भी दिए हैं हमने, जैसे कि देखिए कि आपको आसाम यूनिवर्सिटी के अंदर जो सिलचर की आसाम यूनिवर्सिटी है वहाँ पर आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के साथ ऑल इंडिया कोटा के साथ आपको देखिए जनरल न्यूट्रल, ठीक है। तो ओपनिंग रैंक है कितनी इसकी 1,96,074, ठीक है, इसकी ओपनिंग रैंक है। और क्लोजिंग रैंक आप देख सकते हैं 2,33,496 इसकी क्लोजिंग रैंक है, ठीक है। तो ये आपको कॉलेज मिल सकता है। तो ये कॉलेज किन बच्चों को मिल सकता है, ठीक है, तो जिनकी रैंक, ठीक है, 2,33,496 तक होगी उनको ही कॉलेज मिलेगा। यदि आपकी 3 लाख रैंकिंग होगी तो यह कॉलेज आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, इस ब्रांच के साथ। देन बात करते हैं कि ये देखिए, ये आपके सामने जो दूसरा कॉलेज है गुरुकुला कांगरी विश्वविद्यालय हरिद्वार, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग के साथ आपको कॉलेज मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो कट ऑफ है उसका 1,64,321 इसका कट ऑफ है, ठीक। तो यहाँ तक आपको ये कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। तो इसके नीचे भी जो 1,64,000 के नीचे आपकी रैंक होगी तभी भी ये कॉलेज आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपको राइट चॉइस फिलिंग करना बहुत ही जरूरी है। आपको नहीं पता है राइट चॉइस फिलिंग कैसे करते तो प्रीवियस वीडियो हमने बनाया है, लास्ट वीडियो, तो जाके देखिएगा। उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे या फिर आई बटन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। देन आप ये पूरी पीडीएफ चेक कीजिएगा, ये पूरी की पूरी पीडीएफ आपकी जीएफटाइज की है, ठीक है। तो बात करते हैं अभी एनआईटी की, ठीक है। ट्रिपल आईआईटी तो आपको नहीं मिलेगा ईडब्ल्यूएस के लिए एज अ प्रीवियस ईयर कट ऑफ बोल रहे हैं, ठीक है। इस साल बहुत ही फ्लक्चुएशन हो रहा है रैंकिंग के साथ और आपको सीट मिल सकती है ट्रिपल आईआईटी के अंदर, शायद ही मिल सकती है, ठीक है। तो श्योरिटी के साथ बता नहीं सकते कि आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है। तो देन आपको एनआईटी के अंदर ज़्यादातर आपको है ना सीट नहीं मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं तो एक ईडब्ल्यूएस की है, ठीक है, तो डायरेक्टली वहाँ पर चलते हैं जो कि हमने हाईलाइट किया है। तो ये पीडीएफ बहुत ही बड़ी है क्योंकि एनआईटी 31 एनआईटी है पूरे इंडिया के अंदर, ठीक है। तो देखते हैं डायरेक्टली, ये देखिए कि आपको एनआईटी जमशेदपुर मिलेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के साथ, वो भी आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी होगी और उसके अंदर आपका पीडब्ल्यूडी होगा, ठीक। तो आपको यहाँ पर 6,85,190 रैंक के ऊपर आपको एनआईटी जमशेदपुर मिलेगा, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मिलेगी, ठीक है। तो ये बहुत ही बढ़िया बात है, लेकिन आपको ईडब्ल्यूएस के साथ आपका जो कैटेगरी है आपको सर्टिफिकेट चाहिए होता है पीडब्ल्यूडी का, ठीक है, अदर स्टेट से आपको ये कॉलेज मिल रहा है। देन इसके बाद कोई एनआईटी मिलने वाला नहीं है, ठीक है, एक ही है एनआईटी, फिर बाद में देखते हैं, ये हाईलाइट किया लगता है, ठीक है। तो ये देखते हैं, ये 98,574 एक्सेप्शन लिया था हमने, ये मिल सकता है एनआईटी के अंदर, फिर बाद में कोई भी एनआईटी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि ईडब्ल्यूएस होगा और फीमेल के लिए, सिर्फ फीमेल के लिए नहीं, ठीक है, फीमेल की है, बॉयज के लिए नहीं है ये सीट। एनआईटी श्रीनगर के अंदर सिविल इंजीनियरिंग मिलेगी आपको 1,10,640 इस रैंक के ऊपर, ठीक है। तो ये 1.5 लाख तक आपको सीट नहीं मिलेगी, ठीक है, तो ये बात भी माइंड में फिट कीजिएगा, एनआईटी आपको 1.5 लाख तक नहीं मिलेगी। एक ही जमशेदपुर की एनआईटी मिलेगी, वो भी जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनके लिए। देन एनआईटी तो इतने ही मिलेंगे 2 से 3, और आपको जो मिलेंगे जीएफटाइज मिलेंगे और ट्रिपल आईआईटी एक भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है, ताकि सबको पता चले कि उनको कौन सा कॉलेज मिल सकता है या नहीं मिल सकता। अभी सीएसएफ का जो शेड्यूल अनाउंस हो चुका है, 27 नवंबर को सीएसएफ चालू होने वाला है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि ऐसी वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं, ठीक है। देन मिलते हैं वीडियोस के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर।